हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। गाइस, ये मेकअप लुक स्पेशली मैंने नवरात्रि, गरबा, डांडिया मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलो ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर। टोनर के लिए मैंने लिया है यहाँ पे वादी हर्बल का टोनर, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं डेली बेसिस पे यही यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैंने ये लिया है। तो टोनर के बाद अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ लिया लैक्मे का पीच मिल मॉइस्चराइज़र। एंड मेकअप में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइस। टोनर, मॉइस्चराइज़र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद चलेंगे अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। बट जब भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें उसको थोड़ा देर बाद मेकअप स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है NYBA का प्राइमर एंड सिलिकॉन बेस प्राइमर। तो डांडिया नवरात्रि मेकअप जो होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए होता है, तो आप प्राइमर ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। काफ़ी टाइम बाद मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। इसमें मेरा शेड है 02। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे एकदम स्किन टोन से मैचिंग होता है। एंड उसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से डैप डैप करते हुए ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, तो अच्छे तरीके से पहले ब्लेंड कर ले, उसके बाद मेकअप में आगे बढ़े। ओके, सो ब्लेंडिंग मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी टाइम लेकर ब्लेंड करेगा इस। मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट की, इसलिए लग रहा होगा आपको कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया है, बट ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी टाइम लेकर ही ब्लेंड की हूँ। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। उसके लिए लिया है मैट लुक का आईब्रो पेंसिल। आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो अगर आप बिगनर्स टीनेजर्स हो, या फिर जो भी होगा इस, काफ़ी अच्छा होता है ये सब पेंसिल यूज़ करना, काफ़ी ईजी टू यूज़ होता है। एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने कंसीलर फाउंडेशन के बाद नहीं अप्लाई किया, सोचा पहले आईब्रोज को फिल कर लूँ देन उसके बाद अप्लाई करूँ कंसीलर। यहाँ मैंने एमएन का कंसीलर लिया है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है ये, आप खुद ही देखिएगा। एंड मैंने अपने बेस को काफ़ी लाइट रखा था क्योंकि मैंने बहुत भर भर के फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया था। एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर है ये लोकल मार्केट का ब्लेंडर है, थोड़ा बहुत सोक भी करता है। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सो करना भूल गई, बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया लूज़ पाउडर। ये है लैक्मे का रोज़ पाउडर, आपको पता ही होगा। तो अच्छी तरीके से मैं बेकिंग कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा ही बहुत अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। एंड अपने आईलिड्स को भी अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि मैं आई शेडो अप्लाई कर सकूँ। एंड बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं बाहर बैठ के ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। इस पर से मैंने लाइट ब्राउन शेड पहले लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिएट करूँगी। एंड इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि अगर आप नवरात्रि में मेकअप लुक करोगे ना, सब आपको ही देखते रह जाएंगे क्योंकि बहुत ही मैंने सिंपल सा किया है एंड काफ़ी सटल एंड ब्यूटीफुल सा। तो आप देख सकते हो बहुत ही लाइट शेड लेके मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक एंड सिल्वर टाइप का कलर है एंड सिमर शेड है, इसको मैं पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी। आप खुद देखना, मैं पूरे आईलिड्स पे बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी, बहुत भर भर के नहीं, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर ले। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये ब्राउन शा शिमर शेड ही है, ये भी इसमें भी थोड़ा सिमर एंड मैट का मिक्सचर है। इसको मैं अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट हैंड से, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कहीं से भी हार्श लाइन ना दिखे। बहुत हैवी मेकअप मैंने नहीं किया क्योंकि गरबा डांडिया बहुत हैवी मेकअप नहीं करते हैं। डांडिया खेलने जा रहे हैं यार, तो गरबा डांडिया खेलने जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा हैवी नहीं करते। एंड जो भी पाउडर था एक्स्ट्रा उसको मैं हटा लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि सारा अच्छे तरीके से एब्जॉर्व कर लिया था। एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे काजल। काजल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का वॉक फ्री काजल। इसको मैं अपने लोअर लैश एंड अपर लैश लाइन पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी एंड उसको फिर अच्छे से स्मच करूँगी। थोड़ा सा मुझे कोल आइस चाहिए लोअर लैश लाइन पे। तो यहाँ पर मैंने लिया है डार्क ब्राउन सा शेड। क्या बात है, चिड़िया कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो इसको आप देख सकते हो मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मच कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश से। एंड इसको मैं आउटर वी पे ना थोड़ा सा विंग भी क्रिएट करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ढेर लंबा नहीं करूँगी। आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आज मैं कोई आईलाइनर, कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि अगर डांडिया गरबा में आप जा रहे हो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का शौक है तो आप ज़्यादा हैवी मेकअप या फिर फॉल्सेस ना अप्लाई करो। डो कोट मस्कारा अप्लाई कर लो, बहुत है। एंड मैं अपर लैश लाइन पर भी थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, ये मार्स का मस्कारा था, मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था। एंड आप इसको लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस दोनों पे अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी।
सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहला वाला वॉइस ओवर ऐड ही नहीं हुआ, पता नहीं मैंने उसमें कितना अच्छे से बोला था। एनीवे कोशिश करती हूँ मैं फिर से पहले जैसा बोलने का। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ डायमंड ब्लश, बट ये ब्लश नहीं है, ये सॉरी ब्लश है बट मैं इसको एज ए ब्रॉन्जर की तरह यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर ब्लश डार्क शेड में आ जाता है तो आप उसको एज ए ब्रॉन्जर की तरह या फिर कॉन्टोरिंग की तरह यूज़ कर सकते हो। आप अपने स्किन टोन से देख लेना कितना लाइट है कितना डार्क है। उसके बाद फिर मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का ब्लश एंड उसके बाद मालियों का हाइलाइटर ले रही हूँ। मेकअप भले सटल करो लेकिन अगर नाइट पार्टी कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से हाइलाइटर लगाओ। तो मैं पूरा अच्छे से हाइलाइटर लगा रही हूँ, अपने इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर लूँगी, ब्रोबोन पे भी अप्लाई कर लूँगी, तो आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्लैम 21 का लिप लाइनर। मैं न्यूड शेड अप्लाई करूँ क्योंकि मैंने मेकअप काफ़ी न्यूड बेबी पिंक टाइप का रखा है, आप खुद ही देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी एलिगेंस का मैट लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है 11, तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो मेकअप तो यहाँ पे हो गया है डन। तो अब करेंगे थोड़ा सा बिंदी बिंदी अप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर का बिंदी नहीं था, वैसे ब्लैक बिंदी हम लोग लगाते भी नहीं है, बट थोड़ा सा मैं नीचे ब्लैक कलर का आई लाइनर से अप्लाई कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो। वैसे स्टार्टिंग में तो आपने मेकअप लुक देख लिया बट अभी आप मेरा देखो फाइनल। सो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट करके बताएगा कि मेकअप लुक आपको कैसा लगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार चेकआउट जरूर करेगा। सो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।